व्हाट्सअप गाइस, कैसा आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ Realme 7 Pro डिवाइस के बारे में और इसके Android 12 बेस्ड Realme UI 3.0 अपडेट के बारे में। फाइनली यहाँ पर Realme की तरफ से Realme 7 Pro जो डिवाइस है ना, इसके लिए इंडिया में ऑफिशियल अपडेट है वो यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है Android 12 और Realme UI 3.0 के अपडेट का। अगर आप लोग इंडिया में Realme 7 Pro डिवाइस यहाँ पर यूज करते हो वीडियो को पूरा देखना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों को फीचर है ना वो यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिले हैं इसी मैसिव अपडेट के अंदर और कौन कौन से चेंजेज हैं जो कि यहाँ पर आप लोगों को Realme वालों की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रही है, वीडियो को अभी तक यहाँ पर लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 200 लाइक का। देखते हैं आप लोग कितना जल्दी इसको यहाँ पर कंप्लीट कर पाते हो। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो भी आप लोगों को वीडियो सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। अब गाइज मैं आप लोगों से बात करूं अपडेट के बारे में, यहां पर आप लोग देख तो अपडेट आप लोगों को जो देखने को मिलता है ना Realme UI 3.0 अपडेट का, इसकी टोटल साइज है ना वो आप लोगों को यहाँ पर लगभग 2 GB के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें तो यहाँ पर जो MB है ना वो यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये जो अपडेट होने के बाद में का स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको बता रहा हूँ और अपडेट का वर्जन नंबर आपको F.14 का यहाँ पर देखने को मिलता है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं फर्स्ट फीचर के बारे में जो कि आप लोगों को इस अपडेट के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर गाइज आप लोग देख तो कंट्रोल सेंटर है, इसका पूरा का पूरा जो लेआउट है ना वो आप लोगों को यहाँ पर चेंज देखने को मिल जाता है। एक बहुत ही कमाल का फुल डिस्प्ले का आप लोगों को कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ पर Realme की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। और वहीं मैं आप लोगों से बात करूं इनके एनिमेशन के बारे में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ना ये आप लोगों को काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिलता है। अगर आप लोग इन पे क्लिक करते हो 1 सेकंड से भी कम टाइम में आप लोगों को रिस्पॉन्स है ना वो देखने को मिल जाता है। काफी ज्यादा स्मूथ है Realme UI 3.0। डार्क मोड की भी एनिमेशन आप लोग देख सकते हो कितनी जल्दी यहाँ पर ये स्विच होता है डार्क मोड ऑफ से और जो नॉर्मल आप लोगों को मिलता है ना उससे, तो ये आप लोगों को एक अच्छी मिलती है। काफी ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर ये जो स्मूथ है ना वो देखने को मिलता है। मुझे तो ये वाला कंट्रोल सेंटर है वो काफी ज्यादा पसंद आया है और इसके पीछे का आप लोगों को जो ब्लर देखने को मिलता है ना वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी आप लोग देख सकते हो वॉलपेपर के अंदर रेड कलर ज्यादा है, यहाँ पर आप लोगों को रेड कलर है ना वो विजिबल है हल्का हल्का, तो ये भी आप लोगों को एक चेंज है ना वो मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड चेंज के बारे में जो कि आपको मिलेगा सेटिंग एप्लीकेशन के अंदर। तो सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में आप लोग यहां पर देख तो आप लोगों का जो डिवाइस है ना इसके अंदर आप लोगों का पूरा कंप्लीट जो सेटअप है ना वो चेंज हो चुका है सेटिंग एप्लीकेशन का। वहीं मैं आप लोगों से बात करूं अगर आप लोग यहाँ पर जाते हो पर्सनलाइजेशन के अंदर तो यहाँ पर इसका जो लेआउट है ना वो भी आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली चेंज देखने को मिलता है जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर आपको वॉलपेपर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, थीम, आइकन, क्विक सेटिंग और 3-4 ऑप्शन है ना वो नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं। अब कलर का आप लोगों को वन ऑफ द बेस्ट फीचर है ना वो मिलता है एंड्रॉइड 12 अपडेट का क्योंकि गूगल की तरफ से फीचर है ना वो प्रोवाइड किया गया है एंड्रॉइड 12 के मैसिव अपडेट के अंदर। अभी गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा जो कंट्रोल सेंटर है इसके अंदर मैंने जो रेड कलर है ना वो सेट करके रखा है, तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है आप लोगों को यहाँ पर दूसरे कलर चूज कर लेना है जैसे कि ये डिफॉल्ट वाला है जो कि ब्लू एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, ट्रेंडी है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है और भी आपको क्लासी बहुत सारे आप लोगों को नए जो ऑप्शन है ना वो देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर येलो कलर भी है और एक आपको और कलर है ना वो देखने को मिलता है जिसका नेम है न्यूट्रल, इसके अंदर आपको थोड़ा डार्क कलर मिलेगा और नीचे की तरफ आप लोगों को एक कस्टम का एक ऑप्शन है ना वो देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है ना वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, तो अगर आप लोग इस पर प्रेस करोगे तो आप लोगों के साथ में ऐसा जो यहाँ पर कंट्रोलर है ना वो शो हो जाएगा और आप लोग अपना फेवरेट जो कलर है ना वो इससे यहाँ पर चूज कर सकते हो। बहुत सारे कलर हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर मान लो जैसे कि मैंने जो रेड कलर है ना वो सेट कर दिया है, तो सेट करने के बाद में यहाँ पर पहली बात तो रेड कलर सेट हो चुका है। ये जो विंडो है ना वो आपको मैसेजिंग एप्लीकेशन की मिलती है और ये आपको मिलता है कंट्रोल सेंटर की और ये मेरे हिसाब से है म्यूजिक वाले की और ये है रिकॉर्डर की और ये मुझे पता नहीं है, अगर आप लोग को पता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो गाइज आप लोग देख
देख सकते हो यहाँ पर जो रेड कलर है ना वो सेट हो चुका है, और जो पूरी की पूरी सेटिंग एप्लीकेशन है इसके अंदर एक अलग ही तरीके का रेड कलर है ना वो आप लोगों को यहाँ पर सेट देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग जाते हो वाईफाई के अंदर, और अगर आपकी कोई भी वाईफाई है तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी आपको जो कलर देखने को मिलता है ना वो यहाँ पर रेड कलर ही देखने को मिलता है। और वही मैं आप लोगों से बात करूँ कुछ और चेंजेस के बारे में, तो अगर आप लोग ओपन करोगे कैलकुलेटर एप्लीकेशन तो इसके अंदर भी आप लोगों को जो लेआउट मिलता है ना वो यहाँ पर रेड कलर का ही देखने को मिलता है, और ये जो लाइन आप लोगों को जो पॉपअप होती हुई दिख रही है ना ये भी रेड कलर की ही है। और अगर आप लोग ओपन करते हो क्लॉक एप्लीकेशन तो इसके अंदर भी आप लोगों को रेड कलर का कलर कॉम्बिनेशन है ना जो कि यहाँ पर शो हो जाता है, विजिबल हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। और भी आपको कई सारी एप्लीकेशन है वो मिलती है, जैसे कि माई फाइल एप्लीकेशन हो गई, अब इसके अंदर भी आप लोगों को जो कलर मिलता है ना वो यहाँ पर रेड कलर ही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अच्छी तरीके से यहाँ पर ये सेट हो चुका है, और रिसेंट की भी जो एनिमेशन है और इसका लेआउट है वो आप लोगों को चेंज मिल जाता है, और भी आप लोगों को चेंज ना वो मिलते हैं माई फाइल एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हो आप लोग इनके अंदर जाके चेक भी कर सकते हो, हालांकि एड है ना वो तो यार अभी भी शो होते हैं, जैसे कि मैंने टैप किया है और बैक आता हूँ तो कभी कभी यहाँ पर एक एड है ना वो यहाँ पर शो हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर मान लो मैंने ऑडियो को ओपन किया है तो यहाँ पर भी एड है ना वो शो हो रहा है, तो ये मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। बाकी इनसे वैसे प्रॉब्लम तो नहीं होती है, लेकिन जब भी आप लोग यूज़ करते हो ना तो ये बीच में आ जाते हैं तो इनसे दिमाग खराब हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइज इस तरीके से आप लोगों को माई फाइल एप्लीकेशन है वो मिल जाती है। और अगर आप लोग यहाँ पर ओपन करते हो गूगल माई फाइल एप्लीकेशन, तो इसको मैंने एक बार ओपन कर लिया है, तो इसका आप लोगों को मेटेरियल यू डिजाइन है ना वो देखने को मिलता है, जैसे कि अभी मैंने ब्लू कलर है वो इसके अंदर सेट करके रखा है। और अगर आप लोग ओपन करते हो प्ले स्टोर, सो प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में इसके अंदर भी आप लोगों को मेटेरियल यू डिजाइन है ना वो आप लोगों को यहाँ पर विजिबल हो जाती है। आप लोग देख सकते हो गेम्स एप्स ऑफर्स मूवीज बुक्स, तो जैसे मैं इन पर टैप करता हूँ ना एक अलग ही तरीके का जो लोगो है ना वो आप लोगों को सेट देखने को मिल जाता है, आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। सो इसी तरीके से आपको चेंजेस मिल जाते हैं। सो इसके अंदर भी आप लोगों को ब्लू कलर है ना वो देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी ब्लू कलर है ना वो आपको मिलता है। सो ये मेटेरियल यू डिजाइन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, वो आपको मिलता है रियलमी UI 3.0 के अपडेट के अंदर। अब गाइज मान लो अगर आप लोग ओपन करते हो सेटिंग एप्लीकेशन, तो सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, पर्सनलाइजेशन को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन मिलता है ना वो मिलता है आइकन का। तो आइकन पे जैसे आप लोग प्रेस करोगे अब इसका हल्का सा आप लोगों को लेआउट है वो चेंज देखने को मिलेगा। आप लोग आइकन की जो शेप है वो छोटी बड़ी कर सकते हो या फिर रिस्टोर पे सेट कर सकते हो। मेटेरियल डिजाइन आपको मिल जाती है, पीपल आप लोगों को मिल जाता है, कस्टम आपको मिल जाता है, बाकी डिफॉल्ट का ऑप्शन तो आप लोगों को मिलता ही है। और अगर आप लोग जाते हो क्विक सेटिंग के अंदर तो ये वही सेम आपको रियलमी UI 2.0 के तरह ही देखने को मिलता है, सो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज वो भी आपको सेम ही मिलता है, हल्का सा लेआउट है वो चेंज आप लोगों को मिलता है। फिंगरप्रिंट एनिमेशन है वो भी आपको सेम मिलती है, और एज लाइटिंग है वो भी आप लोगों को यहाँ पर सेम देखने को मिलती है। और अगर गाइज आप लोग यहाँ पर ओपन करते हो वॉलपेपर, तो वॉलपेपर के अंदर जाने के बाद में यहाँ पर आपको स्टैटिक प्लस लाइव प्लस मोर वॉलपेपर के ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। अब मोर वॉलपेपर के अंदर तो आप लोग जितने ढूंढोगे उतने कम है, बाकी स्टैटिक के अंदर आप लोगों को वॉलपेपर है वो इतने यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। अब इनमें से कुछ है ना वो आप लोगों को रियलमी UI 2.0 के मिलते हैं, जैसे कि ये वाले, और कुछ आप लोगों को मिलते हैं रियलमी UI 3.0 के। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ऊपर वाले जितने भी जो वॉलपेपर है ना वो सारे आपको लेटेस्ट मिल जाते हैं, और वैसे ये तो आप लोगों को लाइव वॉलपेपर देखने को मिलते हैं जो कि आप लोग अपने डिवाइस के अंदर सेट कर सकते हो, लेकिन बैटरी है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पर ड्रेन हो जाएगी। और गाइस पर्सनलाइजेशन के अंदर तो आप लोगों को इतने ही फीचर है ना वो देखने को मिलते हैं। एक फीचर है थीम्स का, तो इसके अंदर आपको थीम है ना वो मिल जाती है। और अगर आप लोग यहाँ पर ओपन करते हो नीचे की तरफ कुछ और ऑप्शन जिसका नेम है प्राइवेसी, तो प्राइवेसी के अंदर एक बहुत ही कमाल का वन ऑफ द बेस्ट सेकंड फीचर मैं इसको कह सकता हूँ, सो प्राइवेसी डैशबोर्ड है उसको ओपन कर लेते हैं। अब इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि अप टू 24 आवर तक या फिर कन्फर्म 24 आवर तक कौन कौन सी एप्लीकेशन है जिन्होंने आपका यहाँ पर कैमरा माइक्रोफोन प्लस लोकेशन
एप्लीकेशन है उनको यहाँ पर यूज किया है। सो ये सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप लोग कैमरे के अंदर जाते हो ना, सो आप लोगों को पता चलता है कि हाँ टेलीग्राम ने यहाँ पर कैमरे एप्लीकेशन को यूज किया है और कौन से टाइम पे किया है। वो टाइम है ना, वो भी आप लोगों को डायरेक्टली यहीं पे विजिबल यहाँ पर हो जाता है। और अगर गाइज आप लोग यहाँ पर ओपन करते हो कैमरा एप्लीकेशन, तो मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हो नाइट वीडियो और फोटो के इन सभी के जो लेआउट है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर चेंज देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पर जैसे मैंने कैमरा एप्लीकेशन है इसको यहाँ पर ऑन किया है, यहाँ पर एक राइट साइड में टॉप की तरफ ग्रीन कलर का डॉट है ना, वो विजिबल हो जाता है। सो ये किस चीज का है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइज इसको यूज करने के लिए या फिर इसको देखने के लिए सिंपली आप लोगों को करना क्या है ना, एक फोटो यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। तो आप लोग देख सकते हो राइट साइड में आप लोगों को यहाँ पर थोड़े इस साइड में ग्रीन कलर का डॉट मिल जाता है, जिसका नेम आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है बीइंग यूज्ड बाय कैमरा, मतलब कि खुद कैमरा एप्लीकेशन है वो कैमरा एप्लीकेशन को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और मान लो यहाँ पर एक बार मैं टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, अब यहाँ पर मेरा जो भी चैनल है ना Realme UI अपडेट्स का, गाइज एक बात मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप लोगों ने अभी तक भी Realme UI अपडेट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन नहीं किया है तो इसको आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि Realme 7 Pro जो डिवाइस जाना इसके लिए एंड्रॉइड 12 बेस्ड Realme UI 3.0 का स्टेबल अपडेट है वो रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और स्क्रीनशॉट के साथ में मैंने आप लोगों को न्यूज जाना वहां पर प्रोवाइड करी है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मैं आप लोगों को बता रहा था प्राइवेसी डैशबोर्ड के बारे में, तो यहाँ पर जैसे कि मान लो गाइज मैंने कैमरे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है, तो अभी आप लोगों को राइट साइड में टॉप की तरफ एक डॉट है ना, वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आप लोग इसको यहाँ पर स्वाइप करते हो, इस पे प्रेस करते हो, तो आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाता है बीइंग यूज्ड बाय कैमरा। सो ये कैमरा का लोगो है बीइंग यूज्ड बाय टेलीग्राम। तो ये आप लोगों को एक छोटा सा चेंज है ना वो मिल जाता है Realme UI 3.0 के मैसिव अपडेट के अंदर। और अब बात कर लेते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं काफी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि मैंने वॉलपेपर है ना वो कहां से डाउनलोड किया है, क्योंकि 4K क्वालिटी का आप लोगों को वॉलपेपर है ना वहां पर मिलता है, जिसके अंदर आपको क्वालिटी है वो अमेजिंग देखने को मिलती है। तो बहुत ही इजी है, वैसे ये वॉलपेपर पेड है लेकिन मैंने आप लोगों के लिए फ्री में इसको यहाँ पर प्रोवाइड करा के रखा है। सो टेलीग्राम को ओपन करना है और यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है, तो यहाँ पर आप लोगों को सर्च कर लेना है सहेज वॉलपेपर। आप लोगों को मेरा ये वाला टेलीग्राम चैनल है जो कि यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी 4000 मेंबर है ना वो यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। तो वॉलपेपर यहाँ पर आपको सारे बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी के देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये वाला वॉलपेपर मैंने कल यहाँ पर सेट किया है और आपके डिवाइस के अंदर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये आप लोगों को एक चेंज मिल जाता है। और एक अगर आप लोग मेरी बात मानो ना, तो एक वॉलपेपर को जरूर से ट्राई करना, आप लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए थोड़ा आपको ऊपर की तरफ स्वाइप करना है, तो आप लोगों को एक वॉलपेपर है ना वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो ये वाला वो वॉलपेपर है, प्रीमियम वॉलपेपर है, इसके ऊपर ऑलरेडी जो व्यूज है ना वो ऑलरेडी यहाँ पर 30,000 जाने ही वाले हैं, तो 29.3 के यहाँ पर व्यूज है। सो आप लोग इस वॉलपेपर को जरूर से ट्राई कीजिए, आप लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर ये पसंद आएगा। और गाइज अब बात कर लेते हैं कुछ और चेंजेस के बारे में जो कि आप लोगों को अपडेट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो सिंपली आपको सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को जाना है स्पेशल फीचर के अंदर। सो बहुत सारे फीचर है ना वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि एक क्विक लॉन्च, अब इसका सेटअप आप लोगों को कर लेना है। और जैसे आप लोग अपने फोन को अनलॉक करोगे, सो यूट्यूब, गूगल असिस्टेंट, टेलीग्राम, इनमें से किसी को भी आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है। सो गाइज आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में इतनी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करनी थी। वीडियो अगर आप लोगों को ये अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ है बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारा यूट्यूब का जो चैनल है उसको यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ है बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। बाकी टेलीग्राम चैनल को तो आप लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन कर ही लिया होगा, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। सो गाइस मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।